हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्स करेंगे जॉनी वॉकर डबल ब्लैक। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये डबल ब्लैक क्या है और ब्लेंडेड स्कॉच विस्की यहाँ पर क्यों लिखा है, और भी जो सारे टर्म्स हैं उन टर्म्स का मतलब क्या है। ये सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें। यहां आप देख रहे हैं एक लोगो है, व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब है, ऑन 1st जनवरी 1934 जॉनी वॉकर एंड सन्स को ये रॉयल वारंट इशू किया था, और ये इशू किया था किंग जॉर्ज फाइव ने। ये इसलिए इशू किया था जिससे कि जॉनी वॉकर्स अपने बेवरेजेस को रॉयल हाउसेस में सप्लाई कर सकें, और ये ट्रेडिशन आज भी प्रैक्टिस में है। नेक्स्ट इज जॉनी वॉकर लोगो। इस लोगो का मतलब क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। इस लोगो के पीछे की जो कहानी है वो ऐसे है, जॉर्ज पैटरसन एंड अलेक्जेंडर वॉकर ने जब रेड लेबल एंड ब्लैक लेबल लॉन्च किया तो उन्होंने एक आर्टवर्क कॉम्पिटिशन रखा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया टू कम अप विथ अ लोगो, लेकिन उस कॉम्पिटिशन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब लास्ट में एक कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम था टॉम ब्राउन, जो इस लोगो को लेके आए, और इस लोगो को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो किया एक लंच टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, और उन्होंने इस लोगो को ड्रॉ किया एक मेन्यू कार्ड के पीछे और फिर प्रेजेंट किया, एंड देन एवरीबॉडी लाइक्ड इट। एंड फ्रॉम दैट डे अभी तक ये लोगो प्रैक्टिस में है, एंड इट सिंबलाइजेस जॉनी वॉकर। नॉ डबल ब्लैक, इसका मतलब क्या है। डबल ब्लैक जो है ये इस जॉनी वॉकर की जो रेगुलर ब्लैक लेबल विस्की है उसका एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन कैसे है, नॉट टू गेट द डबल ब्लैक, दिस विस्की इज कमिंग फ्रॉम इजले। इजले इज अ रीजन इन स्कॉटलैंड जहाँ की विस्कीज स्मोकी नेचर के लिए फेमस हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसले के से एक रिवर निकलती है, एंड दैट रिवर इज़ कमिंग फ्रॉम पीटलैंड्स। सो जिस वजह से वहाँ के वाटर में भी स्मोकी नेचर है, और दूसरी वजह यह है कि इन विस्की को मैच्योर किया है इन दी हैविली चार्ड बैरल्स, जो बेसिकली बर्बन विस्कीज के एम्प्टी चार्ड ओक बैरल्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं टू मैच्योर द जॉनी वॉकर डबल ब्लैक, जिससे कि इसके अंदर एक इंटेंस फ्लेवर आता है, एंड द एम्फेसिस ऑफ दिस विस्की इज़ मोर ऑन स्मोक, जिससे कि इसका नाम पड़ा डबल ब्लैक। जॉनी वॉकर डबल ब्लैक जिन्होंने इसको बनाया है वो है मास्टर ब्लेंडर जिम बेवरेज। नाउ जिम बेवरेज इज वेरी वेल नोन मास्टर ब्लेंडर, जिनकी नॉलेज विस्की ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा है, एंड ही वर्ल्ड फेमस जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल मास्टर ब्लेंडर। जब आप इस विस्की को ट्राई करेंगे देन यू विल फाइंड सम टेस्ट। सो ऑन नोज इट विल फील लाइक कि जैसे कि आपको ऑयलीनेस फील हो रहा है, एंड देन उसमें आपको ड्राई ओक का फ्लेवर मिलेगा, हनी का स्मेल होगा, एंड देयर इज स्टोनी स्मोक स्मेल आल्सो। ऑन पैलेट इट इज़ फुल बॉडीड,
तो इसकी जो स्वीटनेस है वो स्वीट स्मोक से फ्लोरल हनी की तरफ आपको जाते हुए दिखेगी। एंड देयर इज ऑल्सो फ्लेवर्स ऑफ टार एंड ओल्ड बोन फायर्स। इन द एंड अल्टीमेटली यू विल फील दैट एक मीडियम लेंथ विस्की है जिसके अंदर सॉफ्ट स्मोक है और वुडी स्पाइसेस एंड चार्ड ओक के फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा हैं। नाउ डियाजियो, डियाजियो इज द मेन कंपनी विच सेल्स जॉनी वॉकर बेवरेजेस। सो इट्स द अल्टीमेट ओनर ऑफ जॉनी वॉकर ब्रांड दैट वी हैव टुडे एंड इट्स स्टार्टेड फ्रॉम किलमॉक अशायर, दैट्स अ रीजन इन स्कॉटलैंड। तो दोस्तों, अगर आपने ये विस्की ट्राई की हुई है पहले भी या अभी आप करने वाले हैं, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एट विच रेट यू परचेज्ड इट। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये विस्की कितने की है, दैट डजंट मैटर, बिकॉज इंडिया में हर स्टेट्स के अलग अलग एक्साइज टैक्सेस हैं और जिस वजह से इसका रेट आपको हो सकता है आपके स्टेट में कुछ डिफरेंट हो। सो प्लीज़ राइट द रेट्स और द प्राइस ऑफ द विस्की इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु लव्स जॉनी वॉकर।